भाइयों, हमारे गोती भाई ने आते ही ये क्या किया, मतलब ये क्या हुई? क्यों क्या हुई? मतलब भाई, हम सबको ये एक्सपेक्ट था कि गोती भाई के आने से कुछ उल्टा पुल्टा तो होगा ही। ऐसे लग रहा था कि गोती भाई चीकू भाई से बॉलिंग करवाएंगे, बुमराह भाई को चहल के साथ ओपनिंग के लिए भेज देंगे, ऋषभ पंत को फील्डिंग करवा के रोहित शर्मा से विकेट कीपिंग करवाएंगे, पर नहीं, गोती भाई ने सीधा कैप्टन ही बदल दिया। भाई सड़क से उठा के स्टार, सीधा सड़क से उठा के स्टार। मतलब गोती भाई के हिसाब से एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, पर एक कैच ने लाइफ चेंज कर दी, ये हम सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सुपला शॉट स्पेशलिस्ट सूर्या दादा इज इंडियाज न्यू T20 कैप्टन। सॉरी भाई, गलती हो गई, सिर्फ सूर्या दादा नहीं, अबे गेम चेंजर सूर्या दादा। मतलब देखो भाई, एक कैच और लाइफ चेंज, गोती भाई का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता। भाई अब इस निर्णय के बाद सूर्या दादा तो खुश होंगे, पर हमारे हार्दिक भाई का क्या होगा? भाई वो बंदा वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन था, पर अब वो वाइस कैप्टन भी नहीं रहा। मतलब हमारे हार्दिक भाई को यही लग रहा था कि नेक्स्ट कैप्टन तो मैं ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी खुशी से बिंदास नाच रहे थे अंबानी की शादी में, पर ये खबर सुनते ही हार्दिक भाई करना भूल गए होंगे। शॉकिंग भाई, शॉकिंग। मतलब ये टीम अनाउंसमेंट होने से पहले ही ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, वी वॉन्ट कैप्टन स्काई, वी वॉन्ट कैप्टन हार्दिक, पर आखिरकार स्काई हैज नो लिमिट, बन गए हमारे न्यू कैप्टन। भाई ये कैप्टनसी का मामला तो शॉकिंग था ही, पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि शुभमन गिल T20 और ODI के भी वाइस कैप्टन। भाई मतलब ये कुछ हमें समझ नहीं आया। माना कि गिल भाई पिछले सीरीज में कैप्टन थे और वो सीरीज इंडिया जीती भी, पर भाई अभिषेक शर्मा का क्या हुआ? T20 में आते ही सेंचुरी लगाई है उसने, और मौके तो मिलने ही चाहिए थे उसको, और ऋतु भाई को तो बाहर जाना ही था। मतलब थाला फॉर द रीजन करके दूसरे कोचिज को खुश कर सकते हैं, पर हमारे गोती भाई को बिल्कुल नहीं। मतलब भाई इस सिलेक्शन से तो ऐसा ही दिखता है कि गोती भाई को गिल और सूर्या में इंडिया का फ्यूचर दिखता है, और लगता है वो उन्हीं के साथ जाएंगे। भाई अब छोड़ो T20, अब आते हैं ODI में, क्योंकि असली खुशी तो यही पे है, क्योंकि हमारा दिल और धड़कन, हमारे रो को दोनों ही खेलने वाले ये वाली सीरीज। भाई अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई खेले या ना खेले, हमारे कर्ण अर्जुन तो खेल रहे, बस और क्या चाहिए। उड़ती उड़ती हमारे कान में घुसी खबरें, सूर्य कुमार यादव बने टीम इंडिया के न्यू कैप्टन, ये खबर सुन के हार्दिक पांड्या ने कहा एक कैच ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। इंडियन स्क्वाड को देखते ही श्रीलंका टीम में मचा डर का माहौल, कहा रोहित विराट से डरने लगता, बस लॉर्ड सिराज को ड्रॉप करवा दो। हाँ भाई, हमारे मियाँ भाई बड़े खुश है, आखिरकार फाइनली बड़े दिनों के बाद हमारे मियाँ भाई को अपने बेटों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, तो गोती भाई ने भी इन्हें दोनों जगह पे टीम में डाल दिया। और भी बहुत कुछ शॉकिंग करने वाले डिसीजन लिए है गोती भाई ने, जैसे कि हर्षित राणा को सीधा ODI स्क्वाड में डाल दिया, इनकॉग्निटो मोड ना जानने वाले रियान पराग जो कि इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, उनको भी दोनों जगह पे मौका दे दिया, और गोती भाई आए मतलब उनके IPL टीम के कैप्टन श्रेयस अय्यर भी टीम में वापस आ गए, साथ में KL भाई भी आ गए, और ये कुछ है T20 और ODI की स्क्वाड, आप देख सकते हो। बाकी हम लोग के थक गए कि जस्टिस फॉर संजू, यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और संजू बाबा को इन्होंने T20 स्क्वाड में डाल दिया। बाकी बुमराह भाई ने लगता है रेस लिया है, और जड्डू भाई को मौका नहीं मिला है भाई ODI में, तो ये एक शॉकिंग चीज है। बाकी आपको कैसी लगी पूरी स्क्वाड, और क्या लगता है आपको कौन किससे ज्यादा डिजर्व था, और ये चेंजेस कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुद का और फैमिली का ख्याल रखना।